Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanvin. You are watching Sun Non-Stop. तो गाइस, आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो. और आज की जो हमारी वीडियो है, इसका पार्ट फोर्थ है या थर्ड है पार्ट, ठीक है. और अभी तक जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले बच्चे हम लोगों को पाकिस्तान से नहीं मिले, जबकि इंडिया की बात की जाए तो वहां से तो काफी पॉजिटिविटी और अच्छे अच्छे बच्चे वहां से मिले हम लोगों को. तो वो बड़े हम्बल बच्चे यार होते हैं. हमारे बच्चे तो बस उनसे पूछो तो वो ऐसे बम के गोले मुंह से निकालेंगे. तो इंडियन किड्स वर्सेस पाकिस्तानी किड्स माइंड सेट, वट पाकिस्तानी और वट इंडियन किड्स थिंक अबाउट पाकिस्तान और इंडिया. तो देख लेते हैं कि हमारे बच्चे और उनके बच्चों में सोच में क्या फर्क है. तो फटाफट से ये वीडियो देखते हैं. नहीं, ये वीडियो है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. और अपनी जो है वो मुझे यार काफी क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि कोई क्वेश्चन आंसर वाली जो है वो वीडियो एक बना दूं. तो क्या कहते हो तुम लोग? जितने भी क्वेश्चन मुझे मतलब आए हुए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर काफी ज्यादा लोगों के, तो मैं सोच रही थी कि एक Q&A वाली जो पूरी वीडियो है ना वो कर देती हूँ. तो आप लोग जरूर बताइएगा. लेट्स स्टार्ट. गुस्सा आता है, बम बम लेके ना ब्लास्ट क्या कर दूं, होता है? बस खत्म कर दे. मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ उनको बम लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको. एक बार जंग पा देखना, इटा नाल कोट कोट मार दे. इंडिया को इंटो के साथ मारोगे? हाँ. और इंडिया के पास इतने बड़े बड़े हथियार है, तुम इंटे लेके निकले इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं? कोई बात नहीं, बम हमारे पास भी बड़े हथियार है. पहले तो तुम सीधा होके खड़े हो ना, और मुझे ये बताओ तुम इतनी उम्र में पान खा रहे हो? उड़ाने को दिल करता है, क्या वजह है? वैसे ही नफरत बहुत दिल में उनके हमारे लिए. हमें वो समझते हैं डरपोक आदमी. अच्छा? हम डरने वाले किसी से नहीं है. हाँ. अगर उनमें दम है तो चैलेंज करके देख ले. मुल्क और मजहब दोनों अलग अलग चीजें. मैं अगर इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ तो ये मेरा मुल्क है, बेशक मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, शिया हूँ, हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, जो भी हूँ. अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ तो पाकिस्तान मेरा मुल्क है. ऐसे ही इंडिया के अंदर पाकिस्तानी जितने भी मुसलमान है, सॉरी, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है वो भी इंडिया के लिए जान दे सकते हैं. लेकिन हम लोगों की रहनुमाई सही नहीं हो रही. हमें असल पता ही नहीं लग रहा कि जंग क्यों हुई. हमारे एजुकेशन सिस्टम में सही प्रॉपर बात ही नहीं बताते. पुराने आप पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं, ये मुसलमानों पे. यही तो बात है, हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते. पता नहीं बुतों में है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या. हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ है. एक अपना अपना मजहब है ना, हम मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ नफरत तो नहीं कर सकते. इंडिया भी बच्चा है हमारे लिए. अच्छा, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता हमारा. सूखे नशे, मैं तो आग देख ले. नहीं, वो क्यों आए, हमसे क्यों लड़े? 1947 में आपने देखा नहीं है कुछ? देखा है ना क्या हुआ उनके साथ? भागे. अब दोबारा करके देख ले हमारे साथ. हमारे पास ईमान का जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पावर है हमारे साथ. इंडिया बहुत कमीना है और उनको फायरिंग करके दिल करते हैं. हाय अल्लाह, हमारे हमसाये मुल्क इतना कुछ सुना दिया. हमसाया नहीं है वो, पूरा दो नंबर है. हमसाया नहीं है वो. हम लोग पड़े हुए हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के पीछे. अगर हम इंडिया पाकिस्तान छोड़ देंगे ना, आज मुल्क तरक्की हो जाएगा. लेकिन हम नहीं कर सकते. हमारे दिमागों में, इवन मेरे भी बचपन से यही भरा गया कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान. यार छोड़ो इंडिया पाकिस्तान, छोड़ो सियासतदान. इमरान खान है बेशक, बेशक नवाज शरीफ है, बेशक जरदारी है. हम उस ये जितने भाई मेरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, कि कोई मजदूर है, कोई 500 रुपए पे काम करता है, कोई 1000 रुपए पे काम करता है. क्या नाम है आपका? मोहिब अब्दुल्ला. क्या करते हो आप? मैं मोमोज बेचता हूँ. और आप? आइसक्रीम. आइसक्रीम, अच्छा. मोमोज भी इंडियन डिश है. कितने पैसे कमा लेते हो दिन के? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है. फिर भी कितने? 5-6, 7-8. 7-800 हो जाते हैं दोनों के. दोनों के मिला के 7-800? नहीं, एक एक के. यानी 7-800 आप कमा लेते हो? 7-800 आप कमा लेते हो? जी. तो पढ़ने लिखने का दिल नहीं करता? पढ़ता भी हूँ. किस क्लास में? अभी 5 में छोड़ दिया. 5 में छोड़ दिया, अब आगे पढ़ना है कि नहीं? जाऊंगा तो यहाँ काम छोड़, 2 माह करना फिर छोड़. अच्छा, 2 माह काम करके पैसे जमा करके फिर जाओगे? हाँ जी. अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे. मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ उनको बॉम्ब लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको. इतने जहरीले और खतरनाक ख्यालात जी. आपका
क्या ख्याल है इंडिया को लेके? जब इंडिया का नाम सुनते हो तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पहली चीज है तो उधर गुस्सा बहुत आता है उनपे, क्योंकि वो पाकिस्तानी पे बहुत जुल्म करते हैं। क्या जुल्म करते हैं इसी बात पे कि वो हमें अच्छा नहीं समझते। अच्छा, अच्छा ये बातें आपको किसने बताई हैं? आपने किससे सीखी हैं? बस किससे देखी नहीं है ना किससे सुनी है, बस वैसे ही सामने आज गुस्सा आ जाता ना, जो दिमाग है दिमाग से। दिमाग से कैसे? कहीं तो देखा होगा, सुना होगा। मतलब कि जो भी होता है ना, कोई होता है दिमाग में अच्छा, दिल में कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता अच्छा। हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगते, इंडिया वाले हमें अच्छा नहीं लगते। ये तो कोई वजह नहीं ना होती कि एक चीज या एक मुल्क आपको अच्छा ना लगे, कोई तो वजह होगी किसी के अच्छा ना लगने। किसी ने सिखाया हो, पेरेंट्स ने बताया हो, स्कूल आप जाते हो आपकी टीचर ने बताया हो। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में ये कुरान पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं, ये मुसलमानों पे यही तो बात है। हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते, पता नहीं बुतों में है क्या। हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या, हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ है। एक अपना अपना मजहब है ना, हम मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ नफरत तो नहीं कर सकते, ऐसा है कि नहीं जी? ये मुसलमानों पे जुल्म बहुत करते हैं, इसलिए हमको गुस्सा जाता है। तो इनको साल में खत्म, मुसलमान बनना चाहिए, अच्छे लोग बनना चाहिए, कि किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि जितने भी हिंदू हैं वो मुसलमान हो जाएं? जी। क्यों, वो क्यों मुसलमान हो? ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं साल में, उसको मंदिर में पूजा करते हैं, ये ऐसे कोई काम नहीं। अल्लाह एक ही है, सबका पैदा करने वाला वही है। कुरान पाक को, कुरान पाक करे, पूजा छोड़ दे। अच्छा फिर मेरा वही सवाल, कहाँ से आई ये इतनी बातें आपके दिमाग के अंदर? ये बस दिमाग, जब वो आते ना सामने गुस्सा आ जाता है। इंडिया का जब नाम सुनते हैं हम टीवी में तो हमको गुस्सा आ जाता है। अच्छा अगर कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाना चाहोगे? वो तुम लोगों को घुसने नहीं देंगे। और आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी सोच अभी तो कहते कि जाके इंडिया के साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो तो कर देंगे जब भरे थोड़े से होने। अभी भरे हो तुम लोगों ने और खतरनाक हो जाएंगे ना। बैग में बॉम लेके जाऊंगा ज्यादा साले। भाई तू तो चलता फिरता एटम बॉम है, मुझे तो लगता है यहीं पे फट जाएगा। इंडी पर ब्लास्ट कर देना सबको, मार देना है, या मुसलमान बन जाए, या एक काम मुसलमानों को मारना छोड़ दे, ये दूसरा काम कुरान पाक पढ़ने लग दे। अच्छा ये पूज मंडी में अगर आप इस तरह की खौफनाक बातें करोगे तो वो कभी भी ना तो इस्लाम कबूल करेंगे, ना ही कभी कुरान पाक पढ़ेंगे, ना ही कभी मसाजिद के अंदर जाएंगे। देखिए हमारा इस्लाम जो है अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करोगे वो तो डर जाएंगे। डरना तो है, उन्होंने कहे बच्चे बच्चे कह रहे हैं, तो फिर वो जैसे भरे हो जाएंगे क्या करेंगे आके। अच्छा। तो जैसे बॉम्ब बॉम्ब की बात सुनिए, बॉम्ब सब मंदिर उनने पूजा को बचाना है आपने आपको, जैसे वो मंदिर में जाते हैं ऐसे करते हैं टिंग टिंग करते हैं, ये करना भी वो उनको बचाएंगे अपने आप को बचाएंगे, ये बताएं भागने की वहाँ से करेंगे या मंदिर को देखेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। और कमेंट में लोग जो हैं वो लाजमी बताएं कि ये बच्चा क्या बातें कर रहा है, कि आप किस चीज़ को बताएंगे बचाएंगे। इंडियन मूवीज देखते हो? जी देखते हैं। इंडिया से इतनी नफरत, फिर उनकी मूवीज भी देखते हो? ओ कभी कभी देखते हैं, रोज थोड़ी देखते। जब इतनी नफरत है उनको, आपका दिल करता है ये कर दो वो कर दो, मेरा तो जुबान जो इजाजत ही नहीं दे रही मैं आपके अल्फाज बोलूं, फिर उनकी मूवीज क्यों देखते हो? उनकी मूवीज कोई कोई अच्छी आती है, मतलब कि जैसे कि सलमान खान की, शाहरुख खान की, बस ये सलमान खान की और शाहरुख खान की देखते हैं। हाँ। बकौल तो वो बुरे लोग हैं, फिर बुरे लोगों की मूवीज क्यों देखते हो? बस कोई कोई अच्छी लगती है, फिल्में होती है ना अच्छी लगती है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? उड़ाने को दिल करता है। उड़ाने को दिल करता है, क्या वजह? वैसे ही नफरत बहुत दिल में उनके हमारे लिए, हमें वो समझते हैं डरपोक आदमी। अच्छा। हम डरने वाले किसी से नहीं है। हाँ। अगर उनमें दम है तो चैलेंज करके देख ले। अच्छा आप नहीं डरते इंडिया से? इंडिया से हम क्यों डरे, हम ईमान वाले मुसलमान आदमी है। हाँ। हम क्यों डरे उनसे? उन्हें डरना चाहिए हमसे। उन्हें क्यों डरना चाहिए? हमारे पास ऐसी क्या टॉप चीज है जो इंडिया हमसे डरे? इस्लाम है, ईमान है, उनके पास वो नहीं है। हमें ईमान की ताकत बहुत है, जज्बा है हमारे पास। सबसे ज्यादा बेईमानी तो हर पाकिस्तानी करता है। तो हर एक जैसा तो नहीं ना होता। अच्छा। कुछ अच्छे और कुछ बुरे में फर्क भी होता है। लेकिन इंडिया आप देखिए कि दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गया, कहां से कहां पहुंच गया और एंकर भी आ गए तो फिर सही है। इंडिया अभी बचा है हमारे लिए। अच्छा इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता हमारा, दम है तो आगे देख ले। नहीं वो क्यों आए, हमसे क्यों लड़े? 1947 में आपने देखा नहीं है कुछ, देखा है ना क्या हुआ उनके साथ, भागे। दोबारा करके देख ले हमारे साथ, हमारे पास ईमान का जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पावर है हमारे साथ। अच्छा ये सारी बातें कैसे आई है दिमाग के अंदर, किसने सिखाई, कहाँ से सुनी?
आजकल तो नेटवर्क की आपको पता हर चीज है, मोबाइल पे हर चीज आ जाती है। उनकी जुल्म जो है ना हमारे पास बहुत ज्यादा, स्लाब भेज दी है हमारे पास, पानी ओवरलोड कर दिया, बॉर्डरों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी, वो जुल्म ज्यादा करते हैं हमारी तरफ। लेकिन वो तो हमारा कसूर है ना कि हमने, कसूर किस तरह है? हमने डैम्स नहीं बनाए। हमारी हुकूमत को जब पता है कि इंडिया हर साल रावी में पानी छोड़ता है, तो हमारी हुकूमत ने रावी पे डैम क्यों नहीं बनाया? रावी दरिया छोटा, थोड़ा सा रावी दरिया बहुत बड़ा है। अरे इंडिया ने भी तो डैम बनाए हुए है ना, तो हमने क्यों नहीं बनाया? तो हम बना लेंगे ना, हमारे कब कब इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। जल्दी कब? 78 इयर्स हो गए हैं, और कितने साल चाहिए? लगभग एक दो साल तो लगेंगे इंशाल्लाह। एक दो, आपको लगता है एक दो साल में पाकिस्तान डैम बना लेगा? नहीं बनाएगा, जब तक ये हुक्मरानों के पेट नहीं भरेंगे। पीटीआई का आदमी है, उसने तो बोलना ही बोलना है। अच्छा, नॉन लीग के आदमी से पूछो, इंशाल्लाह कहेंगे अगले 5 साल में डैम बनेगा इंशाल्लाह। अगर आपको कभी जिंदगी में मौका मिले इंडिया जाने का, ताकि आप इंडिया जाएं, देख सके वहां के लोग कैसे, शायद आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर इंडिया के लिए जो नफरत है वो कम हो जाए, तो क्या आप जाना चाहेंगे? सारी जिंदगी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको मारने के लिए जाएंगे, जब भी जाएंगे। बस फाइनल और लास्ट बात, मर जाएंगे, मार देंगे, वो आपको यही बातें आती है पाकिस्तान को, इसके अलावा कुछ नहीं आता। नहीं आता हमें कुछ, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें तंग करते हैं बार बार। हमें कैसे तंग करते हैं, क्या करते हैं? आपको बताया, पानी छोड़ देते हैं, पानी छोड़ते हैं और बॉर्डरों पे जाके देखें। आप बॉर्डर पे गई हैं कभी? आपका मैं हजार दफा गई हूं। घर है आपका उधर? नहीं, मैं तो पंजाब से जाके उनसे पूछे क्या होता है उनके साथ, क्या होता है? फायरिंग होती है, एक आदमी मर रहा है, दो मरे, तीन मरे, बार बार उन पे फायरिंग करने, क्या वजह? तो हमने जो इतनी आर्मी तैनात की हुई है वो किस लिए की है? तो आर्मी हमारी नहीं ना करती, वो करते हैं। आर्मी का, अगर आर्मी ना होती तो आप अब तक जेलों में होते। तो आपको लगता है कि इंडिया, मेरी बात सुने, आपने कहा कि आए दिन इंडिया एलओसी पर जो है वो अटैक करता है। आप ये बताएं कि कश्मीर का जो हया हवाला, वो जुल्म है कि सही है? कश्मीर किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का उनका? कश्मीर से पूछना चाहिए कि कश्मीर क्या चाहता है, कश्मीर क्या चाहता है? वो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत चाहता है। आपने उनकी वीडियो नहीं देखी, पाकिस्तान का झंडा लड़ाते हैं वो? अच्छा, क्यों लड़ाते हैं? कब, ये कब हुआ? मैंने तो ये वीडियो नहीं देखी। आप चेक करें, आप मुझे दिखाएं, आप मुझे दिखा दें सोशल मीडिया पर। आपको पता है कश्मीर के अंदर ना, जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर 15 अगस्त को, 15 अगस्त वाले दिन इंडिया के झंडे निकले हैं, पाकिस्तान के झंडे थे 14 अगस्त वाले दिन। अच्छा, कपूरा कश्मीर में 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान के। आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के तालुकात बेहतर होने चाहिए? नहीं, आजाद कर दे, हमारा तालुकात बेहतर नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये भाई जो है, इनके तो दिल में इंडिया के लिए बड़ी नफरत है। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा मुल्क है? हमारी इनसे ज्यादा यही नफरत है, बस जम्मू कश्मीर आजाद हो, हमारी कोई नफरत नहीं है। अच्छा, उन्हें आजाद करके क्या करना है, पाकिस्तान के साथ मिलवाना है? आजाद रियासत हो या पाकिस्तान के साथ रहे, वो कोई बस ना ले, लेकिन उनसे आजाद हो, इंडिया से। इंडिया जो जुल्म कर रहा है वो जुल्म नहीं होना चाहिए, कश्मीर हमारे साथ भी ना रहे, लेकिन जुल्म होना चाहिए। कश्मीर को एक बार छोड़े, अपनी बात करते हैं, हम पंजाबियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भाई हमारे खड़े हैं, आप मुझे बताएं कितने के कितनों के पास नौकरियां नहीं है इस वक्त? सबके पास ऑलरेडी है, सबके पास नौकरी है, सबके पास है नौकरी। हाँ जी, नौकरी है। हाँ जी, माशाल्लाह। आपके पास है नौकरी? मैंने तो बताया, ऑटो ड्राइवर हूँ। नौकरी है? मेरे पास नहीं, नौकरी है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने लोग पाकिस्तान में रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगे हुए हैं? कहाँ पे लगे हुए? 70% ऐसे ही है। हुकूमत आपको सस्ता आटा, सस्ती बिजली दे सकती है? इंडिया में कितने परसेंट है, इंडिया में कितने परसेंट है, इंडिया में कितने परसेंट है, आपको पता है? क्या इंडिया में गुर्बत कितने परसेंट है, पता? आपको पता है इंडिया दुनिया की कितनी बड़ी इकोनॉमी है? अभी बनी है ना, पहले उसमें गुर्बत नहीं थी, अभी भी गुर्बत है। अभी कौन सी चली गई है? चलिए मुझे बताएं, हम पाकिस्तान की गुर्बत, मुल्क बहुत खुशहाल है इंडिया, पाकिस्तान नाल कितने बेहतर लग गया। भाई कह रहा है इंडिया में बड़ी गुर्बत, टैक्स भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, गुर्बत है, लेकिन वो बहुत खुशहाल मुल्क है। पता है इंडिया में बिजली का रेट क्या है? हाँ जी, क्या है? 8-10 रुपए यूनिट है, इससे भी कम में 300 यूनिट फ्री है इंडिया में। बिल्कुल, क्या हुआ? में किसने महंगा किया है? किसने किया है? इमरान खान ने किया, और किसने किया है? महंगाई का दौर किसने शुरू किया है? इमरान खान ने किया, और किसने किया है? अच्छा, आप बताएं ना, आप किस किस सपोर्टर हैं, आप बताएं। मैं एक सहाफी हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करी, मैं अवाम की आवाज़ पहुँचाती हूँ सब तक, मेरा काम यही है। हम तो नून लीग के हैं, इंशाल्लाह नून लीग पर मोहर लगाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये जो सी महंगाई है इमरान खान ने की है। अच्छा अच्छा, ये बताएं इंडिया के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, कैसा मुल्क है इंडिया? बेहतर मुल्क है, अच्छा मुल्क है,
ताल्लुकात रखने चाहिए, हमसाया मुल्क है हमारा। अगर हम अपनी नौजवान नस्ल की बात करें, अभी ये हमारे भाई हैं, ये ऑटो चलाते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाए कैमरा मैन, को थोड़ा मसला ना हो आपकी शक्ल कैमरे में आ सके। आपको पता है ये जो भाई हैं अभी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, इनके दिल में इंडिया को लेके बड़ी नफरत और गुबार बना हुआ है, ठीक है। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, हर मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, क्यों क्यों सारे भाग भाग इंडिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं आ रहे? पाकिस्तान में आए कैसे? पाकिस्तान वालों को खाने से फुर्सत होता फिर ना, इधर हम भूखे मर रहे हैं, कौन कोऑपरेट करेगा? आप करेंगी इधर आवाम के साथ कोऑपरेट करेंगी? आप कभी भी नहीं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी बिजनेस नहीं करना चाहता? जब आप नहीं कर रहे तो पागल है कोई बाहर से आके करे। अब मुझे ये बताएं, ये भाइयों के दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में हमने इंडिया के लिए ना जहर घोल के रख दिया है, नफरत घोल के रख दी है। हर किसी का अपना जेन होता है, किसी का बुरा जेन है, किसी का अच्छा जेन है, जो जैसे सोचता है वो वैसे ही करता है। आप चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? होने चाहिए। क्या नाम है? सैफुल्ला। सैफुल्ला क्या करते हो? मैं इधर काम करता हूँ। क्या काम करते हो? वेटरी करता हूँ। वेटरी पढ़ते नहीं हो? नहीं। क्यों? ये इमरान खान की, नवाज शरीफ की झगड़े की वजह से महंगाई पे महंगाई की जा रहे हैं, बिजली, घी, आटा, चीनी, घी दोनों अपनी जेब में सोचते हैं, आवाम की सोचते ही नहीं है। यानी सियासतदानों की लड़ाई की वजह से पाकिस्तान की आवाम पिस रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो? जी। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया बहुत कमीना है और उनको फेयरिंग करके दिल करते हैं। हाय अल्लाह, हमारे हमसाये मुल्क को इतना कुछ सुना दिया। हमसाया नहीं है वो, पूरा दो नंबर है, हमसाया नहीं है वो। फिर क्या है? हैं? क्या है फिर? वो अभी बोलना नहीं है ना। अच्छा अवैस, अगर हम बात करें पाकिस्तान के यूथ के बारे में, छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में इंडिया को लेकर नफरत भर दी गई है, कोई इंडिया को बॉम्ब के साथ उड़ाना चाहता है, कोई इंडिया पर फायरिंग करना चाहता है, कोई जाके इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजाना चाहता है। मतलब अगर हम बात करें तो इंडिया में दिन ब दिन जो है बिलियनियर पैदा हो रहे हैं, हर चौथे पाँचवें दिन इंडिया एक बिलियनियर पैदा कर रहा है, लेकिन हम अपने बच्चों के दिमागों में इंडिया के लिए जहर घोल रहे हैं, हम इन चीजों से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? तुसी बड़ी सोहनी गल की है, देखें जी ये बच्चा है छोटा, इसके घर में कमाने वाला ये अकेला है, इसकी माँ बहन बाप बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने अपना राशन पानी पूरा करना है। अब वो इसको पढ़ा के इसके ऊपर खर्चा उधार लेके करेंगे या इसको पढ़ाएंगे? इसको नहीं पढ़ा सकते ना वो, जब तक उनके पास पैसे नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगी, वो कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? उन्होंने अपना बच्चा भेजा हुआ बाहर कमाने के लिए। कमाने के लिए क्यों भेजा हुआ? मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, हमारी जितनी यूथ खड़ी हुई है, हम लोग पड़े हुए हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के पीछे। अगर हम इंडिया पाकिस्तान छोड़ देंगे ना, आज मुल्क तरक्की हो जाएगा, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे दिमागों में इवन मेरे भी बचपन से यही भरा गया कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। यार छोड़ो इंडिया पाकिस्तान, छोड़ो सियासतदान, इमरान खान है बेशक, बेशक नवाज शरीफ है, बेशक जरदारी है, हम उस ये जितने भाई मेरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, कि कोई मजदूर है, कोई 500 रुपए पे काम करता है, कोई 1000 रुपए पे काम करता है, ये जितने मेरे भाई मजदूर मेरे साथ मेरे खड़े हुए हैं, अगर इनको चीनी सस्ती कोई भी बंदा देगा, इन सारों का वोट उस बंदे के साथ होगा। जो पेट्रोल सस्ता देगा उसके साथ वोट होगा, जो अच्छी एजुकेशन पाकिस्तान में लाना चाहेगा उस सियासतदान को ये सारे भाई मिलके वोट देंगे। कोई इमरान खान का सगा नहीं है, कोई नवाज शरीफ का सगा नहीं है, हम लोग भूखे हैं, सस्ती घी के, सस्ती चीनी के, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम ही कुछ नहीं है। 10वीं क्लास के बच्चे को बगैर किताब पढ़े एक एक चीज इंटरनेट में खोलनी आती है। आप 10वीं क्लास के बच्चे को बुक में, कंप्यूटर की बुक में सिखा रहे हो व्हाट इज अ माउस, ओ iPhone 15 Pro Max चला रहे हो, उन्हें माउस का की पता? फिलहाल बात सिर्फ ये है, जब तक हुकूमत ना, हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो सही नहीं होंगे, हमारे माइंड में ये इंडिया पाकिस्तान की जंगें खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा वैसे ये बताएं, आपने बचपन में इंडिया के बारे में क्या सुन रखा था, क्या आपको बताया गया, क्या आपको पढ़ाया गया? देखिए अगर हम बात करें पाकिस्तान के मुतालिया, पाकिस्तान की, हमें यही बताया गया कि तीनों जंगे इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान वो जंगे जीता। इंडिया के इंटरव्यूज देखें, वहाँ के लोगों की राय जाने तो वो कुछ और कहते हैं, वो कुछ और बताते हैं। तो आपने क्या बचपन में सुना हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम बचपन में जब 5वीं 6वीं क्लास में थे ना, हमारा प्रोफेसर कहता था हम 3 जंगे जीते हैं, इंडिया को मार देना, इंडिया को ये कर देना, बचपन से हमारे दिमागों में ये बात घुसी हुई है। इंडिया के स्कूलों में ये हो रहा है कि पाकिस्तान से हम लोग 3 जंगे जीते हैं, असल जंगे जीता कौन हुआ ये तो हमें पता ही नहीं है, कि पता नहीं जंग हुई भी थी कि नहीं हुई थी, क्या सिर्फ दोनों सब कॉन्टिनेंट अलहदा हो गए थे। बात ये है, इंडिया पाकिस्तान की जंग को छोड़ दो,
जब जंग होगी पाकिस्तान के लिए जान भी देंगे। पाकिस्तान में कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम रहते हैं जो पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं। मुल्क और मजहब दोनों अलग अलग चीजें। मैं अगर इस मुल्क में पैदा हुआ हूं तो ये मेरा मुल्क है, बेशक मैं मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं, शिया हूं, हिंदू हूं, ईसाई हूं, जो भी हूं, अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ तो पाकिस्तान मेरा मुल्क है। ऐसे ही इंडिया के अंदर पाकिस्तानी जितने भी मुसलमान है, सॉरी, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है वो भी इंडिया के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों की रहनुमाई सही नहीं हो रही, हमें असल पता ही नहीं लग रहा कि जंग क्यों हुई, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सही प्रॉपर बात ही नहीं बताते। पूरी की पूरी हमारी तारीख बदल के रख दी है, हमारे बच्चों को अपनी तारीख के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कुछ बताएंगे तो पता लगेगा ना, अगर इनको जो बता रहे हैं वो सब झूठ है। अगर इस बच्चे को एजुकेशन सिस्टम, जब ये छोटा था, ये अभी कमाना नहीं शुरू हुआ, ये पांचवी क्लास से छोड़ गया है, अगर इसको पांचवी क्लास तक इतनी अकल दी जाती, सच सब कुछ सच सही बताया जाता, ये आज काम ना कर रहा होता, ये दोबारा पढ़ रहा होता, कहता मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, काम नहीं मैं करूंगा, इसने कहा पढ़ाई में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, मैं क्यों पढ़ू जाके। पाकिस्तान के अंदर पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये नहीं, ये शर्त नहीं है कि पढ़ो लिखो होगे तो पैसे कमाओगे। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे मौजूद हैं जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया, पांच क्लासें नहीं पढ़ी, आज करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं, एमए किया हुआ किसी बंदे ने, किसी ने बीएससी किया हुआ, वो आके नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, 15,000 रुपए रख लो, 10,000 रुपए रख लो, 20,000 रुपए रख लो, लोग उनके साथ भी फ्रॉड करते हैं, फ्री उनको इंटर्नशिप दे के 3 महीना उनसे काम करवाते हैं फ्री में, फिर अगला इंटर्नशिप आ जाता है, उनका सारा साल कंपनीज का काम फ्री में होता है। अब आप ये देखें ना, हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पे पहुंच गया, उनके छोटे छोटे बच्चे देखें, उनका एजुकेशन का मियार देखें, उनके छोटे छोटे बच्चे साइंस में, टेक्नोलॉजी में कहां के कहां पहुंच गए, और हमारे बच्चे कहते हैं जी इंडिया एक कमीना मुल्क है। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, यकीन माने इंडिया के मुकाबले हमारे बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या वजह है, हमारे बच्चों को एजुकेशन सही नहीं मिल रही। ये बच्चा अभी भी, आज भी इसकी उम्र अगर होगी 10-12 साल, ये आज भी दिन का 3 से 4 हज़ार रुपए कमाता है। कौन बंदा एमए करके भी इतने पैसे कोई नहीं कमा सकता, जितने भी मेरे भाई कहने सुन रहे हैं, मजदूर जो बंदा है ना उसके पास अकल है इतनी ज्यादा कि वो एक पढ़े लिखे बंदे ज्यादा पैसे कमा सकता है। सिर्फ मसला क्या आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम खराब है। अगर उस मजदूर बंदे को एजुकेशन सिस्टम सही मिला होता आज वो कंपनियों के और ये सारे प्लाजो के मालिक होते। ये हमारे हुक्मरान जितने भी है ना, इन्होंने ये सिस्टम बिठाया हुआ है, किसी को तरक्की नहीं करने देनी। हम, मैं हो गया, आप हो गए, जितने मेरे भाई खड़े हुए हैं, इन सारों को एजुकेशन सिस्टम के नीचे दबाया गया। एजुकेशन नो डाउट बहुत ज़रूरी है, आपका इखलाक, आपकी एजुकेशन, आपका ड्रेसिंग सेंस आपको आपकी एजुकेशन देती है, लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरानों ने कहा इनको देना ही नहीं, करना ही नहीं देना कुछ, इनको सिर्फ ये लारा लगाई रखना है इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है, या कोई हुक्मरान है वो कह रहा है जी मैं जीतूंगा, वो कह रहा है जी मैं जीतूंगा, और यार बाढ़ में जाए इमरान खान, बाढ़ में जाए नवाज शरीफ, बाढ़ में जाए जरदारी, कोई एक बंदा ऐसा खड़ा हो जाए जिसका किसी ने आज तक नाम भी ना लिया हो, वो हमें घी अच्छा दे दे, सस्ता दे दे, पेट्रोल सस्ता दे दे, हमारे जितने भी अस्पताल हैं उनका काम अच्छे से करवाए कि हम जैसे जब गरीब बंदे अस्पताल में जाए तो हमें फैसिलिटीज मिले। तो क्यों नहीं भाई, मैं भी टैक्स दूंगा, हर बंदा फाइलर होकर टैक्स देगा, हम फाइलर होकर टैक्स देना शुरू कर दे, हुक्मरानों की जेबें भरती हैं, V8 आती है, प्राडो आती है, किसी को हेलीकॉप्टर ले रहा है, भाई हम क्यों फजूल जाया करें अपना टैक्स, हमने अपने के सारे मजदूर भाइयों ने हमने मिलकर खून पसीने से पैसे कमाए हुए हैं, अगर हम ये हुक्मरानों को ही देने लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अगर हुक्मरान कोई भी बंदा हमें अच्छी फैसिलिटीज देगा, हमारे सारे भाई इधर खड़ते हैं, मैं शर्त लगाए कहता हूँ ये सब भाई उसको वोट देंगे। ओके गाइस, तो ये थी सारी वीडियो, और हम लोगों ने जो है वो पाकिस्तानी ना सिर्फ बच्चों के बल्कि बड़े लोगों का भी जो है वो माइंडसेट देखा, और सिर्फ ठीक है वो कहते हैं ना हजारों लोगों में से वो एक बंदा, ये लास्ट वाला जो था ना, ये कुछ अच्छा बोला, इसने कुछ बेहतर बोला, ठीक बोला, ये थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना उस वे में पॉइजन नहीं उगला इसने कि हम इंडिया जाएंगे तो बम से उड़ा देंगे, कमीना इंडिया, मतलब क्या हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या एजुकेशन दे रहे हैं उनको, मतलब एजुकेशन के नाम पे जो है ना ये धब्बा है। और मैं कहती हूँ कि हमने बस अपने बच्चों को यहीं तक रखना है, इनको यही सिखाना है, और बड़े होके पता नहीं क्या बनते हैं, फिर आप लोगों को पता है, वर्ड नहीं मैं बोलना चाहती, लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छी सही और जिसे कहना है ऑथेंटिक किस्म की एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम का जो है वो इतने प्राइसेस हाई नहीं करने चाहिए। आप देखें ना प्राइवेट स्कूल की फीसेस इतनी ज्यादा, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो पढ़ाई होती नहीं है, टैक्स देते यूट्यूबर्स, क्या आप दिहाड़ीदार बंदे जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं वो भी यार टैक्स ही देते हैं, टैक्स ही भर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हुक्मरान आते हैं अपनी जेबें भरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह लेते हैं, और अपना इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे करें मरियम नवाज देख लें, ठीक है। अब ये चीज है कि हम अब बिजली जो है, बिजली पानी आटा गैस हर जगह वो जो है वो हर चीज जो है वो इंडिया के अंदर सस्ती है, बट अगर पाकिस्तान के अंदर वही चीज आ जाए,
पाकिस्तान के अंदर उसके रेट ही आसमानों को छू रहे होते हैं हर चीज के। तो क्या है कि अगर हमने अपने तलुकात अपने हमसाए मुल्क से अच्छे रखे होते ना, ट्रेड अच्छी होती, हम वहां से चीजें जो है यहाँ पे लाते, यहाँ की चीजें वहां जाती, तो चलो प्राइसेस थोड़ी लेवल पे आती, बॉर्डर के थ्रू जो है वो चीजें आती जाती, खर्चा भी ना इतना होता। बट क्या है, हमें तो दुश्मनियों करनी है, हमें तो दुश्मनियां पाल के रखनी है, सुलह सलामती प्यार मोहब्बत से तो रहना नहीं हमने। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ बच्चों की बातें सुन सुन के जो है ना। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और चलिए कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।